टीम जीत रहा था पहला वनडे मुकाबला, लेकिन इन गलतियों के कारण टीम इंडिया को गंवाना पड़ा जीता हुआ मुकाबला। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की मजबूत पकड़ होने के बावजूद भी टीम इंडिया ने लापरवाही के चलते गंवा दिया पहला वनडे मुकाबला। तो बताएंगे पहले वनडे मुकाबले के वो टर्निंग पॉइंट और कैसे टीम इंडिया जीता हुआ मुकाबला हार गया। दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला तो हार के सबसे बड़े गुनहगार माने जा रहे टीम इंडिया की बैटिंग काफ़ी खराब देखी गई। जब टीम इंडिया की ओर से ओपनर तो फ्लॉप हुए, उसके बाद में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर भी सस्ते में निपट गया। उसके बाद में सुकृता वाशिंगटन सुंदर और केएल राहुल के बीच काफ़ी शानदार पार्टनरशिप देखी गई, जिसके चलते टीम इंडिया ने अपना स्कोर किसी तरह से 150 के पार किया और केएल राहुल के 73 रन की पारी के बदौलत टीम इंडिया टोटल 186 रन पर ऑल आउट हो गया। आज बांग्लादेश की ओर से साकिब अल हसन ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट उखाड़ दिए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत भी काफ़ी ख़राब रही और टीम इंडिया की ओर से दीपक चाहर ने पहली गेंद पर विकेट चटका दिया तो वही 25 के स्कोर कर मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। लेकिन टीम इंडिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था लिंटन दास और साकिब अल हसन के बीच हुई पार्टनरशिप, जो कि टीम इंडिया को काफ़ी दूर ले गई इस मुकाबले में और इन दोनों ने 50 से ज़्यादा रन की पार्टनर सिर्फ जोड़ दी। लेकिन वो तो सुकृता वाशिंगटन सुंदर का, जिन्होंने इन दोनों को पवेलियन में पहुंचाकर टीम इंडिया को एक बार फिर से मैच में वापस ले आए। लेकिन उसके बाद महमदुल्ला और साथ में मुस्तफर रहीम के बीच काफी शानदार पार्टनरशिप देखी गई और मैच का रुख वहां से पलट गया जब कुलदीप सैन ने एक ही ओवर में 2 विकेट उखाड़ दिए। तो भारतीय टीम अपनी झोली में इस मुकाबले को ले आई थी और ऐसा लग रहा था टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाएगा, लेकिन आखिरी विकेट जहां मेहंदी हसन मिराज और मुस्तफर रहीम के बीच 50 शानदार रन की पार्टनरशिप देखी गई और टीम इंडिया के एक के बाद एक सारे गेंदबाज नाकाम होते हुए नजर आए। टीम इंडिया ने सारे प्रयोग अपनाए लेकिन टीम इंडिया आखिरकार इस मुकाबले को हार गई। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।